एक सप्ताह से उत्तराखंड में, नेपाल में और इस क्षेत्र में भी, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जनपदों में अतिवृष्टि के कारण नदियों में काफी जल प्रवाह हुआ है और इसके कारण यहां पर काफी बड़े पैमाने पर जल प्लावन की स्थिति और बाढ़ से एक समस्या खड़ी हुई है। जून के अंत में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में बाढ़ इससे पहले नहीं देखी जाती थी। इससे पहले बाढ़ अगस्त में 15 से लेकर 30 अगस्त के बीच में देखने को मिलती थी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पीलीभीत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के आज के सर्वेक्षण कार्यक्रम में मेरे साथ में यहां पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जितिन प्रसाद जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रभारी मंत्री जनपद पीलीभीत श्री बलदेव सिंह ओलक जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री बाबूराम पासवान जी, माननीय विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दलजीत कौर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव प्रताप सिंह जी और आज के सर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यहां के बाढ़ पीड़ितों के दुख दर्द के साथ जुड़े हुए यहां के सभी प्रशासन और पुलिस के अधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, पिछले एक सप्ताह से उत्तराखंड में, नेपाल में और इस क्षेत्र में भी, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जनपदों में अतिवृष्टि के कारण नदियों में काफी जल प्रवाह हुआ है और इसके कारण यहां पर काफी बड़े पैमाने पर जल प्लावन की स्थिति और बाढ़ से एक समस्या खड़ी हुई है। जून के अंत में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में बाढ़ इससे पहले नहीं देखी जाती थी। इससे पहले बाढ़ अगस्त में 15 से लेकर 30 अगस्त के बीच में देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही हम लोगों को इस प्रकार की बाढ़ से जूझना पड़ रहा है। इस बाढ़ से प्रदेश के 12 जनपद प्रभावित हो गए हैं। पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर जैसे अन्य जनपद, इधर सीतापुर, बाराबंकी, शाहजहांपुर, बलिया, ये सभी जनपद, लगभग 12 जनपद ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। सबसे पहले मेरी बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना है और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। यद्यपि सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किया कि बाढ़ बचाव के सभी उपाय समय पे पूरे हों और उस पर किया भी गया,
लेकिन चुनाव लंबा चलने के कारण हो सकता उसमें कहीं कोई कोताही बचती गई हो। लेकिन आपने देखा होगा जहां पर सारदा नदी में बाढ़ बचाव के कार्य किए गए हैं और बहुत मजबूत और पुख्ता करने का प्रयास हुआ है। अतिवृष्टि के कारण ये व्यापक रूप से जल प्लावन की स्थिति देखने को मिली है। और जब हम पीलीभीत की बात करते हैं तो पीलीभीत में यहां पर सारदा नदी के कारण, देवहा नदी के कारण, इन सभी में काफी बड़े पैमाने पर यह चीजें देखने को मिली, जिनमें सदर तहसील के 16 गांव, बीसलपुर तहसील के 33 गांव, पूरनपुर तहसील के 60 गांव, कलीनगर तहसील के 20 गांव और अमरिया तहसील के 23 गांव तक कृषि आबादी भी और कृषि भी इसके कारण प्रभावित हुई है। हम लोगों ने प्रशासन से इसके बारे में कहा है, पहले से ही व्यवस्था बनाई गई है कि प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत के कार्य तत्काल प्रारंभ करने चाहिए। सबसे पहले प्रभावित परिवारों को सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था करना। पीलीभीत में ही 222 गांव, 5 तहसीलों के आबादी, उसमें आबादी और कृषि की जो फसल है वह उससे प्रभावित हुई है। ज्यादा प्रभावित 76,000 की आबादी ज्यादा प्रभावित हुई है। इसके लिए नौकाएं लगाई गई हैं, मोटर बोट लगाई गई हैं, खाद्यान्न के पैकेट और लंच पैकेट बनाने के आदेश दिए गए हैं। 3 जनहानि भी हुई है, 13 पशुहानि भी हुई है। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के लिए भी उन्हें आदेशित किया गया है। बाढ़ बचाव के लिए 261 शरणालय, 46 बाढ़ चौकियों का गठन करने के साथ ही अन्य उपाय करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें एनडीआरएफ की एक टीम, एसडीआरएफ की 2 टीम, पीएसी और एसएसबी को भी बचाव और राहत कार्य के लिए लगाया गया है। यहां पर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए निर्देश दिए हैं। जैसे हर बाढ़ पीड़ित को जो गांव मैरुंड हो चुके हैं, जहां जल जग गया है, वहां पर जहां घरों के अंदर पानी घुस गया है, वहां पर उनके लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, जहां पर लोग आए भोजन वगैरह उनको बिना भेदभाव के भोजन की सुविधा प्राप्त हो सके। जो पीड़ित परिवार हैं, प्रभावित परिवार हैं, जो अलग से भोजन बनाना चाहते हैं, उनके लिए 2 पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 1 किलो गुड़, 10 पैकेट बिस्किट, 1 पैकेट माचिस, 1 पैकेट मोमबत्ती, 2 नहाने का साबुन, 20 लीटर का पानी के लिए 1 जैरकिन और तिरपाल, ये उन्हें उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और द्वितीय पैकेट में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो अरहर की दाल, 10 किलो आलू, हल्दी, मिर्च, मसाला, रिफाइंड तेल, 1 किलो नमक, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही जहां पे ईंधन की कमी है वहां पर केरोसिन भी उन्हें उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे माननीय विधायकगण, मंत्रीगण, स्वयं केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी भी यहां पे रह करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनता जनार्दन की सेवा में लगेंगे। जनहानि पर तत्काल प्रभावित परिवार को 4,00,000 रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन को हम लोगों ने निर्देशित किया है। पशु हानि पर भी
तत्काल रिपोर्ट लगा करके उस परिवार को 24 घंटे के अंदर आर्थिक सहायता मिल जानी चाहिए। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां फसल खराब हुई है तत्काल सर्वे करा करके उनके खातों में हम पैसा उपलब्ध करवा दें, तत्काल पैसा उस परिवार को उपलब्ध हो जाए जिससे वह फिर से अपनी नई फसल को लगाने की तैयारी कर सके, और जहां पे जल जमाव ज्यादा है उस जल जमाव से बचाव के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर लग करके जनता जनार्दन की सेवा करे। आज इसीलिए मैं स्वयं जल शक्ति मंत्री को लेकर के, केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी को लेकर के इन सभी बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। पोरनपुर और पीलीभीत से पानी निकल चुका है क्योंकि शारदा नदी का पानी काफी नीचे जा चुका है, लेकिन बीसलपुर की तरफ अभी पानी काफी ज्यादा है। मैं बीसलपुर की तरफ से भी होके आया हूं।